हम बड़ा प्रेशर क्या होता है। बोला प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इज टू एंड्स बिटवीन द पा, बोला ये देखो ये बोल रहा है, ये पेंसिल लिया हुआ बंदा हाथ में, पेंसिल को दोनों हाथ से प्रेस करें। ये डायग्राम देखो, पेंसिल एक तरफ नोक है, एक तरफ इसका रबर है। अब दोनों हाथ से इसको प्रेस करें। कहाँ पर पेन महसूस होगा, इस हाथ में या इस हाथ में? यहाँ पर नोक होगी, वहाँ ज़्यादा पेन महसूस होगा। ठीक है, तो ये अच्छा प्रेशर क्या होता है, जब भी आप किसी जगह पर फोर्स लगा रहे होते हैं, किसी जगह पर फोर्स लगा रहे होते हैं, तो उसका एरिया देखा जाता है। तो एरिया जहाँ एरिया ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है, एरिया ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ एरिया कम होगा, एरिया आपका ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, और जहाँ एरिया स्मॉल होगा वहाँ प्रेशर आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कैसे? अब ये देखो, इसी मिसाल ये है, ये थंबिन तो देखा ना सबने, ठीक है, देखो थंबिन में, अब देखो ये थंबिन को हम यहाँ से, मैं एक बंदा यहाँ से इसको अपने अंगूठे से दबा रहा है, ठीक है, एक बंदा यहाँ से अंगूठे दबा रहा है, कौन आसानी से दबा सकता है? इस साइड से, ठीक है ना, इस साइड दबा देगा, तो यहाँ से दबाएगा तो यहाँ से इस साइड क्यों दबाए, क्योंकि यहाँ पर देखो एरिया कितना है, नोक का ना, उसकी उंगली टच हो रही, वो अपने अंगूठे से सिर्फ इसके नोक को टच कर रहा होगा। ठीक है, तो इस नोक का एरिया बहुत छोटा है। अगर मैं बोलूँ कि ये एक बंदा यहाँ से अंगूठे से इधर से प्रेस दबा रहा है और एक बंदा अंगूठे से इधर दबा रहा है, को किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगी या इधर मूव करेगी? इस तरह मूव करेगी। ठीक है, अच्छा फर्स्ट करो, दोनों एक बच्चा है वो अपने एक ही हाथ से कर रहा है, ठीक है, एक हाथ से सीधे हाथ से इधर दबा रहा है, उल्टे हाथ से इधर दबा रहा है, दोनों बच्चा एक ही है ना ये, और एक दोनों हाथ में, एक हाथ दोनों हाथ में बराबर ताकत से। अब बताओ पिन कहाँ मूव करेगी? ना यूँ पकड़ा हुआ थोड़ी है भाई, ये पेन है ना थंबिन, एक दूसरे यूँ पकड़ी यहाँ से थंबिन लिया और यहाँ से, अब यूँ प्रेशर लगा रही, उल्टे हाथ से इधर प्रेशर लगाना चाह रहे, सीधा इधर प्रेशर, उसका हाथ इधर मूव करेगा इधर मूव करेगा, क्यों नहीं मूव करेगा? इधर मूव करेगा ना, जाहिर बात इधर ही मूव करेगा ना वो, क्योंकि नोक वाली साइड पर उसको चुभ रहा होगा, उसको बहुत यहाँ पर प्रेशर लगा रहे, उसको प्रेशर लग नहीं रहा होगा, नोक उसकी चुभ रही होगी, और इस साइड पर उसकी थंब इस साइड पर जो लगा रहा होगा तो पूरा सा उसका जो एरिया ज़्यादा है तो आसानी से इस तरह मूव कर रहा होगा। सिंपल सी बात है ना, तो कॉमन सेंस की बात है ये। तो इसमें बताने का मकसद ये, देखो इस साइड पर यानी वो इस साइड पर मूव कर रहा होगा, ठीक है ना, तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि इस साइड पर एरिया ज़्यादा था, एरिया ज़्यादा था, थोड़ी सी फोर्स लगाएगा उधर मूव कर जाएगा। लेकिन इस साइड पर एरिया कितना, बिल्कुल नोक का एरिया है ना, नोक है, नोक पे वो फोर्स लगा रहा है, नोक का एरिया कितना, बिल्कुल छोटा सा एरिया, उसको उसको ज़्यादा फोर्स लगाएगा तभी जाके अदरवाइज तो इधर मूव नहीं कर सकता। तो जहाँ एरिया कम होता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ता है, जहाँ एरिया ज़्यादा होता है वहाँ थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे काम हो जाता है। समझ आ गई बात ये? एक मिनट, हाँ मैथ्स में कितना दिया है? दो क्वेश्चन दिए थे। अच्छा आप बोले फिजिक्स में यहाँ पे बस, और कंप्यूटर में सही है, सही है, आप बोले हाँ। ठीक है, तो हमें कहने का मतलब ये, जिस साइड पर मतलब जिस साइड पर एरिया ज़्यादा होगा उस साइड पर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, लो प्रेशर लगाना पड़ेगा, लो प्रेशर पे काम हो जाएगा, और जिस साइड पर एरिया कम होगा वहाँ पर हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो अगर ये बच्चा दो बच्चे हैं, एक बच्चा इधर से प्रेशर लगा रहा है, एक बच्चा इधर से प्रेशर लगा रहा है, अगर इस पिन को इस तरह मूव करवाना है तो इस बच्चे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा,
यहाँ पर उसको हाई प्रेशर देना पड़ेगा तब जाके पिन उधर मूव होगी, अदरवाइज पिन मूव नहीं होगी। और यहाँ पर जो जिस जगह आप एरिया ज़्यादा होता है वहाँ थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओगे आगे काम हो जाएगा, थोड़ी भी फोर्स लगाओगे आगे काम हो जाएगा। और जिस तरफ एरिया बहुत कम होगा ठीक है वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तब जाके वो चीज़ मूव होगी। तो प्रेशर की डेफिनेशन ये बनी हमारी, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर कितनी फोर्स लग रही है ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहाँ पर यूनिट एरिया ज़्यादा है या यहाँ पर यूनिट एरिया ज़्यादा है? यहाँ पर यूनिट एरिया ज़्यादा है ठीक है, और यहाँ पर यूनिट एरिया कम है। यहाँ पर हल्का सा प्रेशर लगाएगा तो पर यूनिट एरिया पर कितनी फोर्स लगा रहे हैं उसे प्रेशर कहते हैं। पर यूनिट एरिया पर जितनी फोर्स लगाते हैं उसे कहते हैं प्रेशर। तो यहाँ पर यूनिट एरिया ज़्यादा है या यहाँ पर यूनिट एरिया ज़्यादा है? यहाँ पर एरिया ज़्यादा है ना, इतना बड़ा एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पर यूनिट एरिया पर आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसे कहते हैं प्रेशर। तो यहाँ पर थोड़ी सी भी फोर्स लगाएगा काम हो जाएगा प्रेशर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेगी तब जाके प्रेशर बनेगा। यहाँ पर हल्की सी फोर्स लगाने पर प्रेशर बन जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाएगा तब जाके प्रेशर बनेगा। सारे कर लिए, टेस्ट चेक करो, सारे चेक करो कितना गलत हुए, समझ आई बात? तो प्रेशर की डेफिनेशन ये बनी, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी। हाँ आंसर चेक करो ना सबको, चेक करो सर कॉपी बुक दोनों से चेक करो। तो पर यूनिट देखो ये पिन की एग्जाम्पल बहुत अच्छी है प्रेशर समझने के लिए। पिन के यहाँ पर एरिया कितना बड़ा ज़्यादा है, पर यूनिट ज़्यादा है ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स लग रही है, पर यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स प्रेशर कहलाती है, पर यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स प्रेशर कहलाती है। पर यूनिट एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर इजीली प्रोड्यूस हो जाएगा, और पर यूनिट एरिया जितना कम होगा प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ता है प्रेशर प्रोड्यूस। पर यूनिट एरिया अगर ज़्यादा होगा तो थोड़ी सी फोर्स लगाओगे प्रेशर बन जाएगा, और पर यूनिट एरिया जितना छोटा होगा बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब जाकर प्रेशर बनेगा। समझ आ रही बात? ये बन गया, तो ये डेफिनेशन बन गया, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी। ये एक बॉडी है, इसके सर्फेस पर ये भी एक सर्फेस है, ये भी एक सर्फेस है, इस सर्फेस का जो पर यूनिट एरिया ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे प्रेशर बन जाएगा। लेकिन अगर इस पिन को इधर मूव करवाना है तो यहाँ पर यूनिट एरिया बहुत कम है तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तब जाके प्रेशर बनेगा, वहाँ जाके मूव करेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, यहाँ पर हल्की सी फोर्स लगेगी, यहाँ पर हल्की फोर्स लगाने पर प्रेशर बन जाएगा, पिन इधर मूव कर जाएगी। और जब इस साइड पिन को इस तरफ मूव करवाना हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके प्रेशर आपके बनेगा। समझ आई? तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या बनी, द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स वो कहलाती है प्रेशर, पर यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स वो कहलाती है प्रेशर। समझ आ रही बात? या एग्जर्टेड, द फोर्स एग्जर्टेड, लेकिन पर यूनिट आपको लिखना ठीक है, लेकिन पर यूनिट एरिया लिखना लाजमी है, पर यूनिट आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मतलब वो सिर्फ एक्टिंग नॉर्मली की जगह वो एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया, द क्या बोलेंगे, बोले बोले द फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ। हां ठीक है, ये भी चलेगा, ये भी सही है ठीक है। द फोर एक्टिंग नॉर्मली, लेकिन फिजिक्स में हम चाहते हैं कि जो बिल्कुल पर्टिकुलर डेफिनेशन, पर यूनिट नॉर्मली हम आमतौर पर लेते हैं जब परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगा रहे होते हैं, नॉर्मली का बड़े यहाँ यूज होता है। देखना जरा हमदा, नॉर्मली का हम वर्ड यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पर कैसे बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में, ये बॉडी इधर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ठीक है। हम यू भी तो लगा सकते हैं ना, यू भी लगा सकते हैं, यू भी तो फोर्स लगा सकते हैं करके, तो वो नॉर्मली नहीं कहलाएगी, आमतौर पर नॉर्मली यू से कहलाती है। तो अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है ना उनमें आप अपनी तो चेंज नहीं कर रहे हैं, कोशिश करें डिट्टो जैसा एजेटिस जो आपको दी हुई वही डेफिनेशन लिखा करें। ये उर्दू स्लाइम में कि आप लिटरेचर अपनी तरफ से लिख दें। हाँ बोलो, कौन है? अच्छा अच्छा ठीक है, समझ आ गई बात ये। तो प्रेशर की डेफिनेशन